हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना उपधातु का चैप्टर। और अभी 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही है, थोड़ा सा बिजी था मैं। तो ओज धातु में पढ़ा दिया था शुक्र, जो भी सब धातुएँ थी वो हो चुकी थी सात धातु। और प्लस जो हमारा ओज धातु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है 15 नंबर का, तो वो भी हमने कम्प्लीट कर लिया था। तो जो भी पहली बार चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, एंड प्ले लिस्ट में जाकर अपने अकॉर्डिंग आप वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने डाल रखी है पदार्थ क्रिया एनाटॉमी की। तो चलिए आज हम उपधातु चैप्टर शुरू करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर तक का आ जाता है इसमें, ठीक है। और जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आ गए अपने हम नोट्स के ऊपर। तो अगर आपको भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो नंबर है मेरा 8532059749, तो उस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। तो उपधातु, सबसे पहले हम बात करते हैं उपधातु क्या होती है। तो जैसे अपन ने पढ़ा था धातुओं के बारे में, ठीक है, जो हमारे शरीर का धारण पोषण करती हैं उनको हम धातुएं कहते हैं। और ऐसे ही हमारे शरीर में 7 धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन 7 धातुओं के तक क्या होती है, हमारी उपधातुएं भी होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, केवल शरीर का धारण करती हैं, यानी केवल वो शरीर में बॉडी में रहती हैं, ठीक है। उनसे कोई पोषण वगैरह नहीं होता है बॉडी का, ठीक है। तो थोड़ा सा इनमें डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, उस वजह से हम उपधातु बोलते हैं। यहाँ पर धातु की निष्पत्ति है, ठीक है, उप सादृश्य धातु सादृश्य, ठीक है, ये हमारी है निष्पत्ति, यानी कि जो धातु का जैसा होता है उसको उप धातु बोलते हैं। और निरुक्तु में होती है परिभाषा, यानी कि जो भी हमारे शरीर का धारण करते हैं उनको हम जो है उप धातु बोलते हैं। तो अब हमारे उप धातु में साथ हैं, तो उनके कुछ कौन कौन सी धातुओं के जो है उप धातु बताई गई हैं। तो सबसे पहले हमारी रस धातु, स्तन और आर्तव। तो स्तन मीन्स होता है अपना मिल्क, ठीक है, और आर्तव अपना बताइए उपम होता है। एंड देन आता है रक्त धातु, तो इसकी हमारी उपधातु है कंडरा तथा सिरा, यानी कि वेन्स और आर्टरीज एंड वेन। इसके बाद हमारा मांस धातु, वसा तथा सट त्वचा, वसा यानी कि फैट अपना, और त्वचा यानी कि स्किन, ठीक है। एंड हमारी मेद धातु की जो है स्नायु यानी कि लगामेंट, यहाँ पर उपधातु बताए गए हैं। इसके बाद क्या है कि अस्थि मज्जा धातु, शुक्र से उपधातुओं की उत्पत्ति नहीं होती है, परंतु श्री सारंगधर ने 7 धातुओं के उपधातुओं का वर्णन किया है। तो ये हमारे सारंगधर हैं, उन्होंने जो है 7 धातुओं का भी वर्णन किया है। कुछ हमारे आचार्य हैं जो कि अस्थि मज्जा शुक्र की उत्पत्ति को नहीं मानते हैं, पर आचार्य सारंगधर ने उनको माना, ठीक है। तो अस्थि धातु का हमारे जो उपधातु वो दांत हो गए, और मज्जा धातु के हमारे केश और रोम यानी कि बॉडी हेयर्स और हेयर, ठीक है, और शुक्र धातु का ओज। तो ये हमारे जो है उपधातु मानी है। तो आप में से इम्पोर्टेंट बस केवल 3 ही हैं, जो कि हमारी हैं स्तन आर्तव, ये 2, और हमारी जो है स्किन ही आ जाती है। तो इसके अलावा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मत पड़ेगा इसमें। सो हम बात करते हैं सबसे पहले स्तन के बारे में, ठीक है। तो उत्पत्ति कैसे इसकी होती है, तो रसात स्तन संभव, यानी कि जो रस धातु है उससे हमारी स्तन यानी दूध की उत्पत्ति होती है। ये हमारे आचार चरक के अकॉर्डिंग है इसकी डेफिनेशन। अब इसी बारे में जैसे सुश्रुत जी क्या कहते हैं कि पचे हुए आहार से उत्पन्न रस का प्रसाद भाग तथा मधुर भाग जो समस्त शरीर में परिसंचरित होता रहता है, स्तन में पहुंचकर परिवर्तित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्तन। यानी कि जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो भी खाना खाते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था जो धातु पोषण क्रम था कि हमारा जो खाना है यानी फूड है, जो भी हम आहार लेते हैं उस पर रसाग्नि क्रिया होती है, रक्ताग्नि जो धातु होती है क्रिया होती है, उनसे सार और कीट भाग बनता है। तो यहाँ पर वही है कि सार का प्रसाद भाग मधुर भाग जो कि समस्त शरीर में परिसंचरित यानी कि ट्रांसपोर्ट होता रहता है, और स्तन है उनमें जाकर परिवर्तित हो जाता है स्तन में, तो उसको हम बोलते हैं स्तन, ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने स्तन के गुण और कर्म पर, तो ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो मेन क्वेश्चन जो आता है हमारा वो स्तन के शुद्ध स्तन के लक्षण है, वो आता है 2 नंबर में, ठीक है। और इसके बाद हमारा गुण कैसे होते हैं, हमारा मधुर होता है, स्निग्ध होता है, गुरु होता है, लक्षण होता है शर अमृत। मधुर यानी कि अपना पता ही, स्निग्ध यानी चिकना, कुरु यानी कि हैवी, लक्षण यानी थोड़ा सा खुबरा सा, सर यानी कि बहने वाला, और मृदु यानी कि सॉफ्ट, ठीक है। तो हमारे स्तन के गुण हैं। इसके बाद हम कर्म की बात करते हैं, तो कर्म क्या क्या है स्तन के। फर्स्ट है हमारा कि ओज वर्धक शरीर में धातु की वृद्धि करने वाला, तो हमारे धातुओं को बढ़ाता है, ठीक है। वात पित्त और कफ शामक है, ठीक है, सॉरी वात पित्त शामक और कफ का कारण है, ठीक है। तो हमारे वात पित्त कफ है, इसमें से वात और पित्त हमारे कम करेगा और जो कफ है उसको बढ़ाएगा। इसके बाद हमारा मेधा वर्धक, आयु वर्धक और जीवनी होता है, ठीक है। मेधा बुद्धि बढ़ाने वाला, आयु यानी कि जीवन को बढ़ाने वाला और जीवनी होता है। बालक व्रत तथा छत से छीड़ एवं मैथुन व्यायाम आदि से छीड़ व्यक्तियों के लिए होता है, यानी कि जो
वीक हैं पर्सन, ठीक है, जो भी बूढ़े हैं और जो भी मैथुन से छेड़ हो गए हैं या फिर व्यायाम आदि से जो भी लोग छेड़ हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए हितकर होता है एंड सेंक। और उसके बाद है माता का दूध पीने से शिशु पुष्ट होता है तथा रोगायत हो जाता है, यानी कि ये तो आपको सबको पता ही है। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा आता है ये वाला, ठीक है, इस पर स्टामा कर लो, शुद्ध स्तन की परीक्षा। तो फर्दी हमारे क्या है, दोनों मनों क्वेश्चन आता है कि जो दूध वर्ग, ठीक है, वाइट गंध रस स्पर्श में हो स्वाभाविक, ठीक हो, शीत हो, संघ के समान आभा वाला हो, फेन एवं तंतु रहित हो, ठीक है, यहाँ पर तीन चार चीज़ें हैं। जो दूध वर्ण यानी गंध रस तथा स्पर्श हमारा स्वाभाविक हो, नॉर्मल हो, जैसा भी होता है, उस सेकंड थिंग कि हमारा शीत हो, और थर्ड थिंग हमारी कि जो संघ के समान आभा वाला, ठीक है, एकदम वाइट एंड फेन एवं तंतु रहित हो, ठीक है, उसमें कोई भी तंतु वगैरह नहीं होने चाहिए। ऐसा क्या हो कि ऐसा जो जल में डालने पर हम जब उसको जल में डालेंगे, ठीक है, तो हमारा जो जल होगा वो श्वेत और मधुर हो जाएगा, तो वह दूध शुभ गुणों वाला उत्तम एवं आयोग्य तथा बलदाता होता है, यानी कि जो हमारा ऐसा दूध होता है वो हमारा उत्तम होता है, जो आरोग्य होता है, ठीक है, आरोग्य यानी कि जो रोगों को उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, और बल देने वाला होता है। अब अशुद्ध स्तन के लक्षण क्या है, जो हमारा अशुद्ध दूध होगा, ठीक है, ना वो जल में तैरता है और ना ही जल में डूबता है, ठीक है, ना तो जल में तैरेगा और ना ही जल में डूबेगा, तो हमारा अशुद्ध दूध का लक्षण है। अब हमारा स्तन वृद्धि का क्या लक्षण है, जब हमारी वृद्धि होगी स्तनों में तो वो स्थूल हो जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्तनों में तनाव होने के कारण होगी पीड़ा, ठीक है, और अगर स्तन वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी तो बार बार जो भी दुग्ध स्राव की प्रवृत्ति है, ठीक है, वो ज़्यादा होगी। एंड इसके बाद हमारा स्तन क्षय के लक्षण, तो सामान्य से कम होने पर स्तन सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, छोटे हो जाते हैं। सेकंड थिंग कि दूध की उत्पत्ति हो जाती है कम, जब छोटे हो जाएंगे तो वैसे दूध की उत्पत्ति कम हो जाएगी अथवा समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम दुग्ध क्षय की अवस्था में कफवर्धक द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, जो कफवर्धक व्रत होते हैं वो दूध को बढ़ाते हैं। तो ये हमारा था टॉपिक, छोटा सा टॉपिक पर इम्पोर्टेंट, दो नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।